अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। That's really good news. आकर कोई तो है जो धर्मराज मायावंशी को झुका भी सकता है। Really good news. लेकिन डैड, नानू का खुद विशाल के पास आना हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? Really don't understand. हमारी इस लड़ाई में विशाल हमारे क्या काम आ सकता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है धनुष। लेकिन डैड, अगर वही दुश्मन चालाक हो तो उससे सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपना मतलब पूरा होने के बाद में वो हमारे खिलाफ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लड़ाई में हमें जितनी जरूरत विशाल की है ना, उतनी ही जरूरत विशाल को हमारी बड़ी। खुशी की ये बात है एक्चुअली कि धर्मराज मायावंशी ने विशाल के सामने घुटने टेक दिए, हार मान लिया उसने। एक्चुअली सारा क्रेडिट जाता है संतों को, बताए क्यों? धर्मराज मायावंशी की कमजोरी है संतो और विशाल की वजह से, सिर्फ विशाल की वजह से आज संतो बीमार पड़ी और धर्मराज मायावंशी ने हार मान ली। वाकई बहुत बुरा हुआ संतो के साथ, बीमार पड़ गई संतो। क्या संतो बहुत बीमार है? बताओ ना तुम लोग, मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से? हाँ, विशाल को लाने गया था नान का, अभी तक नहीं आया। हे भगवान, वहां कुछ अनर्थ ना हुआ हो। कद्दू, तू तरवई, संतो कहाँ है? अब आ रही है उसे मिलने के लिए। अब आ गई याद, विशाल बीमार था तो तुरंत आ गए थे सबके सब उसे देखने के लिए। अब क्या हुआ? संतो की हालत इतनी खराब है और तुम्हें अभी याद आ रही है उसकी? अब आ रही है उसे मिलने। तरुफी, अब मानेंगे नहीं, लेकिन सच तो ये, मुझे इस बात के बारे में पता ही नहीं था। जैसे ही मुझे खबर पड़ी मैं यहाँ संतो से मिलने आ गई। पर संतो है कहाँ तरुफी? कैसी हालत है उसकी? अंदर अपने कमरे में, जा जाके देख ले खुद ही क्या हालत होगी उस लड़की की। बोलती नहीं, हंसती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, पता नहीं क्या हो गया है उसे। ये तो हितेन भाई के गिटार की आवाज है। खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी क्या लगती है? हाँ? जो लगती है तुम्हारी लगती है। अगर अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूं। नानका, क्या कहा विशाल ने? वो आ रहा है ना? ये
ये कैसी शर्त रखी है विशाल ने? अब तू क्या करेगा नानका? हाँ संतू कैसे ठीक होगी बता ना, तू विशाल की ये शर्त मानेगा? मोटी बहन, जो उसने मांग रखी है ना, मैं पूरी नहीं कर सकता। वो चाहता है कि संतू यहाँ से जाके उसके साथ रहे, उसके घर में। ये संभव नहीं है मोटी बहन, मेरी संतू घर छोड़ के नहीं जा सकती। अरे वो छोकरा अकेला उपचार नहीं है, मैं मुंबई से डॉक्टर बुलाऊंगा, बड़े से बड़ा उपचार करेगा संतू का। मैं उसे घर छोड़ के नहीं जाने दे सकता, अपने से अलग होने नहीं दे सकता मैं। तू बेहस यहाँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नंबर पेशेंट को इंजेक्शन जेंटामाइसिन देना, एक नंबर को सोनोग्राफी के लिए भेज देना, ठीक है ना? हेलो मिस्टर मयूरवंशी, आपका फोन आया तब से मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सिस्टर, संतु जी को ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर चलो। चलो बिता। यहाँ आइए, आइए आराम से, टिकटेसी आराम से। सो संतु जी, कैसी हैं आप? चाय पीना पसंद है? क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो ये बताइए, आपके घर में कौन कौन है, उनके नाम याद है तो नाम बताइए। खाने में क्या पसंद है आपको? राजमा चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं? अच्छा तो मौसम कौन से पसंद है? जाड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात? बरसात में भीगना अच्छा लगता है? विशाल, विशाल आपका बेटा है ना? मिलना चाहती हैं उससे? देखा धर्मराज जी, विशाल का नाम लेते ही संतु जी ने रिएक्ट किया। आप जल्दी से विशाल को बुला लीजिए। वो नहीं आएगा डॉक्टर। देखिए धर्मराज जी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, और अगर आप चाहते कि संतु जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो आपको विशाल को बुलाना ही पड़ेगा। विशाल से मिलना है, बुलाओ उसको। धर्मराज जी, इनकी दवा, इनका इलाज सिर्फ विशाल है। यहाँ एक मरीज को दवा की नहीं, एक माँ को बेटे की जरूरत है। आप प्लीज प्लीज विशाल को बुला लीजिए। और ये सारी चीजें मुंहज़ुबानी दे, स्टैंप पेपर कि यहाँ छोड़ने के बाद तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म।